खगड़िया जिले में मक्के की खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है और लगभग सभी छोटे बड़े किसान मक्के की खेती करते हैं, लेकिन भंडारण की उचित सुविधा नहीं होने के कारण किसान बिचौलियों के हाथों अपनी उपज को औने पौने दाम में बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुखल का जो है देखो पुत्ती बल्दी सुखा तुम होता है ऐसा है 1200 में नहीं लेबो 1260 में नहीं देबो ये कट्टल फट्टल फलना चिलना देखे छो कैसन माल दब छो तरे 1200 में नहीं बस 1260 1260 में देतो नहीं तो तौल ले तो क्या वाली चाय दे दे तू गलत छो दीदी बढ़िया कहाँ ले दीदी एत सुंदर ले फटल नहीं रहो तनिगो सहयो ना देखा रहे 755 रूपा हमें देवो नगदे दे देवो बात कर लियो नगद तो नगदे दे देवो जीविका महिला कृषि उत्पादक कंपनी लिमिटेड मुख्य रूप से कमिटी मेंबर्स के साथ सीड का बिजनेस करती है, साथ ही साथ सीड प्रोडक्शन और किचन गार्डन को भी प्रमोट किया जाता है। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम्स आते थे कि जो फार्मर्स हैं उन्हें उनके प्रोडक्ट का सही प्राइस नहीं मिल पाता था, वो प्राइस में निगोशिएट नहीं कर पाते थे। तो इसके लिए प्रोड्यूसर ग्रुप और प्रोड्यूसर कंपनी ने मिलकर एक प्लान किया कि क्यों ना हम लोग इस पे वर्क किया जाए। तो जो भी प्रोड्यूसर ग्रुप है, मेनली प्रोड्यूसर ग्रुप 60 से 120 महिलाओं का ग्रुप होता है, तो सबसे पहले प्रोड्यूसर कंपनी 60 प्रोड्यूसर ग्रुप के साथ मिलकर तकरीबन 3600 प्रोड्यूसर फार्मर्स का वेस्टलाइन सर्वे कराया। बेसलाइन सर्वे में जो सबसे बेस्ट प्रोड्यूसर ग्रुप थे जिस ब्लॉक के, उन्हें हम लोगों ने सिलेक्ट किया मेड इंटरवेंशन के लिए। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। तब अच्छे टाइम पर आइए मकई और निकाल लिए। हाँ दीदी। तब मकई हमरा आर के नहीं देबे पीजी में? नहीं दीदी, बिचौलिया के देबे। बिचौलिया के देबे? तरजू से लै हो? हाँ तरजुए से लै छै। तो धरतो उड़तो लै हो? हाँ 2-3 किलो लै लै छै। 2-3 किलो क्विंटल में लै है? हाँ। तब तो अपने के ढेरी चल जाए हो? हाँ। तब अपने 2-4 क्विंटल दे हो तो अपने के 2-4 पसेरी तैसे चल जाए हो? हाँ दीदी। आ पीजी में तो नहीं जाए छै दीदी? पीजी में तो नहीं जाए छै, इलेक्ट्रॉनिक कटा से लेबे दीदी नहीं जेते अपने के? नहीं दीदी, हम तोरा नहीं देवे, हम बिचौलिए के देवे, 10% बेसी दे छे। अपने के 10% बेसी दे छे? हाँ। तब ठीक है छे, जैसा अपने के समझ बनते वैसा हमरा करबे तब। अच्छा ठीक छे दीदी। दीदी हम जाए छे तब। जाइए। दीदी हम चेक कर लिए ठीक है, हम चेक करके बतबे छी।
की छी दीदी मस्त नमी नापै वाला दीदी छिके एकरा से नमी पता चल जेतै कते मकई सुखल छै कते नमी छै एकरा केना नापै छी दीदी अपने नाप कम देखबै छौ हां दीदी ई 125 ग्राम के छै यानी कि 125 ग्राम के जे छै ने से डिब्बा बनायल छै एकरा से जे छै ने नमी नाप करबै आब ठीक छै दीदी हाँ। तो बहुत अच्छा सुखल मकई है सुखले मकई हम जीविका में लै छे ठीक है तब हम फोन करके बुलाते हैं लेबर के फोन कीजिए हेलो हाँ अभी जो है मौसम दीदी के मकई नाप करे 11.5 मकई सुखल है अपने आइए ना मकई नाप करे दीदी ये इलेक्ट्रॉनिक खाता छे दीदी मकई नाप करे दीदी बोरा के भरता काट देते अपने दीदी 55 किलो 200 ग्राम की बोरा लगते बुझलिए 200 ग्राम जो है से गिरा करे के लिए दीदी लै छिये बोरा में लै छिये दीदी अपने के वो जो लै छै से किलो में लै छै पसेरी में लै छै अपने ठीक छै दीदी तो मसर के बारे में जो छै से थोड़ा यार हम समझा दे छौ रेटो के बारे में समझा दे छौ रोज रोज के रेट जो छै से पीजी के ऑफिस जे रहै छै वो गेट पर रोज रोज के रेट लिख दै छियै मस्टर जे छै एकरा ने हमरा लेल जाय छै 14 से नीचा जते नीचा हो जाय दीदी आपका जो है मकई 11.5 है दीदी 11.5 होने कारण हरा खुद में इसमें लग रहा है हरा खुद में लगेगा तो एक रेट मालूम होगा इसमें जो है कि पीजी संख्या 8 है किसान संख्या 28 है और बड़ा संख्या 15 है मुक्ति फुक्ति हमारा न लेक चाहिए अल्टी बल्दी से 2% से कम होना चाहिए कटा फटा मकई से 5% दोनों मिला करके कम होगा तब ये ग्रेड माल पकड़ाएगा समझ गए दीदी अब हम ये पीजी हम देवे दीदी आप बिचुलिया आप नहीं देवे दीदी ठीक है तब दीदी रसीद अपने ले लिए पूछ बना के अपने को ले 2 क्विंटल 75 किलो 5 क्विंटल 75 किलो हाँ 2 क्विंटल 75 किलो और जो है 1240 के रेट से अपने 3410 रुपया हो जब से जीविका हम लोग जिसके माध्यम से शुरू किए हैं मक्का खरीदना उस समय से जीविका के दीदी जो है मक्का जो जीविका में बेच रही हैं उनको सही वजन मिल रहा है समय से 3 से 5 दिन में पैसा उनके खाते में ट्रांसफर हो जा रहा है और जो पैसा उनका जो रेट होता है पर डे का रेट के हिसाब से उनको जो है दर के हिसाब से पैसा मिल जा रहा है गुरु में दलिए बिचुलिया से बचलिए भैया पीजी गुरु में दलिए तो हमें भैया से की कहे बहुत अच्छा होला आ तकर बाद में जाकर भैया चार दिन तक में पैसा भैया हमारा अथी में चल अल खाता में जिले में कार्यरत प्रोड्यूसर कंपनी ने तय किया कि क्यों नहीं किसानों से मक्के की बीज सीधे तौर पर खरीदी जाए और उसके बाद उनको इसका समुचित लाभ पहुंचाया जाए इसको ध्यान में रखते हुए ज़िले में कार्यरत प्रोड्यूसर कंपनी ने 1000 क्विंटल इस वर्ष मक्के की खरीद का लक्ष्य रखा इस बार प्रोड्यूसर कंपनी में हम लोग मक्का का बिजनेस कर रहे हैं और किसानों के साथ कर रहे हैं और बहुत से बहुत हम लोग चाह रहे हैं कि हम प्रोड्यूसर कंपनी को भी फायदा हो और सभी दीदियों को भी फायदा हो अभी जो स्टोर करके प्रोड्यूसर कंपनी जिस प्रोडक्ट को रख रही है 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद सेल करेगी उसमें भी जो प्रॉफिट होगा वो प्रोड्यूसर कंपनी प्रॉफिट का 60-70% प्रोड्यूसर्स महिलाओं को देगी जो अभी मेज सेल की है 6 महीने बाद में बोनस रूप में और भी प्रॉफिट मिलेगा तो मक्का उपजाबे रहिए बटैया उटैया करके खेती करे रहिए तो बिचौलिया आवे रहे व्यापारी मक्का ले जा रहे 3 बार के पैसा दे रहे जल्दी पैसा नहीं दे रहे जब से जीविका में अलिए जीविका में जुड़िए तब पीजी में मक्का दिया लगलिए तो ओकरा से अच्छा लै छै 1230 करके मकई लेलकै 3-4 दिन में खाता पर पैसा दे देलकै